क्षेत्र के डीआईजी सुभाष चंद्र बघेल जनपद ललितपुर दौरे पर आई, जहां वह सीधा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। तत्पश्चात उन्होंने हेल्प डेस्क का निरीक्षण कर उसके बारे में पूछताछ की, जहां उन्हें बताया गया कि बिना पढ़े लिखे ग्रामीणों की सहायता के लिए पटल बनाया गया है। उसके बाद उन्होंने एसपी कैप्टन एमएम बेग व एएसपी अवधेश कुमार विजेता के साथ एसपी ऑफिस के अलग अलग सेलों का निरीक्षण किया। तत्पश्चात उन्होंने एसपी अपर एसपी सभी सीओ एवं पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के साथ बैठक की, जिसमें क्राइम संबंधित अभिलेखों को खंगाला गया एवं वांछितों की अति शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान उन्होंने प्रेस के मुलाकात की और उन्होंने बताया कि नवदुर्गा दशहरा और दीपावली को देखते हुए पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई है, जिससे कोई अप्रिय घटना ना घट सके। इसके साथ ही हम आगामी त्योहारों पर पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा कर रणनीति बना रहे हैं, जिसके उनके संपन्न होने में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। इसके साथ ही उन्होंने पत्रकार वार्ता में बताया कि मडावरा में हुई करोड़ों की चोरी के कांड का खुलासा करने के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। हम इस करोड़ों की चोरी का जल्द खुलासा करेंगे। इसके साथ ही जनपद में पकड़ी गई 50 लाख से ऊपर की अवैध शराब के बारे में भी जांच की जा रही है। इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई की जाएगी। जांच में जो भी नाम सामने आता है उन सभी पर कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा जाएगा, चाहे वह कोई भी हो। तार बिहार क्षेत्र में पुलिस की अवैध वसूली और प्रताड़ना के चलते आत्महत्या के मामले में उन्होंने कहा कि सुसाइड नोट में जिन पुलिस कर्मियों के नाम उजागर हुए हैं उन सब की जांच करवाई जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वर्कआउट करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और एक टीम जो है विशेष टीम का गठन किया गया है। कोशिश हमारी उस केस को सर जो शराब का खुलासा हुआ था उसमें एक मोस्ट वांटेड अपराधी है जो हिस्ट्री सीटर भी है जिस दबंग सपानी था, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है अभी तक और उसकी विवेचना भी बदली हुई है, क्या कहेंगे सर? देखिए उसमें 5 अभियुक्त जो है उसमें राइट में आए हैं और जिसमें 2 लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे गए। 3 जो अभियुक्त हैं उनको एक तो हम जो है शराब कहाँ से आई, उसकी क्या खपत होनी थी, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, पूरा ऊपर लेकर नीचे तक जो लोग इसमें सम्मिलित हैं एसपी साहब को मेरे द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि उन सभी के बारे में विस्तृत से जानकारी करें और कार्रवाई करें और जो अभियुक्त इसमें लाइट में है उनके विरुद्ध प्रत्येक स्थिति में कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो अभियुक्त कोई भी हो और अपराधी तत्व है तो हम कठोर से कठोर कार्रवाई करें। सर जनपद में कहीं नाइट हाल्ट की बात आ रही है डीजीपी के आदेश के अनुसार, क्या नाइट हाल्ट करेंगे सर? नहीं, हम करते रहते हैं, हम तो आते हैं, रुकते हैं, अपना काम करते हैं। बहुत बार आप लोगों से मुलाकात नहीं होती है, जनपद तो तालभेट तक है ना, तो इधर आपके जाखरौन जखौरा पूरा जनपद शहर ललितपुर ही थोड़े हैं, तो हम लोग तो करते रहते हैं। आज हम आए हैं यहाँ पर, अभी और भी काम है, उन सभी कार्यों को करेंगे और इसके बाद जो है बाद में झांसी। सर सुसाइड नोट में 2 नाम और आए थे 2014 में जो तत्कालीन थाना अध्यक्ष बानपुर थी राजी से, सुसाइड नोट में उनका भी नाम आया था और जो तत्कालीन थाना अध्यक्ष पूरा कला थी उनका भी नाम आया था कृष्णवीर सिंह जी का, क्या कर रहा हूँ अब उस पर देख रहे हैं जो अभी जो मुकदमा कायम है उसके बारे में आप बात जी ये बात आपने पॉइंट आउट किया तो उसको हम देख पाते हैं जो भी मेरिट पर होगी जो भी कर रहे हैं। ठीक है।